नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और लोकसभा चुनाव को लेकर नए आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर किसका पलड़ा भारी होगा, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन? क्योंकि नए बिल और नई रणनीति के बाद कितना बदला है 543 सीटों पर नया सर्वे, क्योंकि 2024 की तैयारी शुरू है। लेकिन सियासी पिक्चर किसके पक्ष में जा सकती है, लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर अब 2024 से इसे जोड़ा जा रहा है, लेकिन किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं। आखिर महिला आरक्षण का कितना फायदा यहाँ बीजेपी सरकार को मिल सकता है? देखिए, लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को महिला वोट 29% मिला था, और बीजेपी के लिए महिला वोट बैंक साइलेंट वोट की तरह माना जाता है। जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 36% पहुंच गया था, और महिला आरक्षण बिल के बाद कहीं ना कहीं ये आंकड़ा 2024 में और बढ़ सकता है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? वर्तमान आंकड़ों की बात की जाए तो मौजूदा आंकड़े में यहाँ पर 78% महिला यहाँ पर जो है भागीदारी है, और अगर कानून पास होता है तो महिलाओं का सांसद में यहाँ पर 181 आंकड़ा पहुंच जाता है। वर्तमान में 15% आरक्षण है, लेकिन बिल जो पेश किया गया उसके बाद 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, यानी सीधे तौर पर फायदा यहाँ पर मिलेगा। वर्तमान में अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए जो विधानसभा है और विधानसभा की स्थिति में अगर भागीदारी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 11% यानी 6% यहाँ महिला भागीदारी है। बिहार की बात की जाए तो 10% यहाँ पर 70% महिला भागीदारी है, जबकि अगर गुजरात की बात की जाए तो 8.2% है, और महाराष्ट्र में 8.33% आता है, और हरियाणा में 10%, दिल्ली में 11.43% आते हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों पर भी आंकड़ा काफी कम दिखाई देता है, और इस कारण से महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन किसका पलड़ा भारी होगा, इस पर अब नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। जिस कारण से गैस सिलेंडर के 200 रुपए कम किए गए, उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा माना जा रहा है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन बात की जाए तो 2024 की तैयारी में कितना दम है, 2024 में क्या हैशटैग की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, या वनवास पर गई विपक्ष की वापसी होगी, क्योंकि तलाश तो गठबंधन ने की है और नया नाम भी दिया है जो इंडिया गठबंधन दिया है, उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? 2024 से पहले जिन 10 राज्यों में चुनाव होने थे, जिनमें से कई राज्यों पर चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को फायदा मिला था, जबकि छोटे राज्यों में नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में, तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार में है, 2 राज्यों में गठबंधन के तौर पर, जबकि त्रिपुरा में अपने दम पर सरकार में है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव के लिए नई नई रणनीति यहाँ तैयार की जा रही है। लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, इस पर देश को मूड को लेकर यहाँ पर इंडिया टुडे के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें महंगाई एक बड़ा मुद्दा यानी समस्या इस वक्त बनी हुई है। 24% लोगों की यहाँ पर देश की सबसे बड़ी समस्याओं में इसे देखा जा रहा है, महंगाई, क्योंकि जिस तरह से महंगाई को लेकर भी विपक्ष सवाल उठाते हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर आम जनता भी यहाँ पर आमने सामने होती है। लेकिन बेरोजगारी भी यहाँ पर 24% लोगों की समस्या बनी होती है, यानी दो मुद्दे यहाँ पर करीब 50% आंकड़ा पहुंच रहा है। जबकि अन्य अगर मुद्दों की बात की जाए जिनमें कृषि संकट भी 5% है, भ्रष्टाचार भी 5%, यानी सीधे तौर पर महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या इस वक्त बनी हुई है। इस पर कहीं ना कहीं आमने सामने विपक्ष भी सामने आया है। लेकिन मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि भी अगर आपको दिखाएं, जिसमें कोविड-19 पर जो महामारी थी उस पर जो काम किया गया, जो सक्रिय तौर पर नजर आए, उस पर 21% लोग भी इसे बड़ी सफलता के तौर पर देख रहे हैं। भ्रष्टाचार रहित सरकार भी 13% लोगों के यहाँ पर कहना है कि मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। धारा 370 भी हटाई है, उस पर भी 12% लोग मान रहे हैं। इसके अलावा कल्याणकारी योजनाएं भी 6% लोग हैं। राम मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो यहाँ निर्माण चल रहा है, उस पर भी 11% लोगों का एक बड़ी सफलता के तौर पर मोदी सरकार को देख रहे हैं। जबकि मोदी सरकार की यहाँ पर कुछ असफलता को भी अगर देखें तो यहाँ पर 25% लोग महंगाई को भी मान रहे हैं। बेरोजगारी यहाँ 17% लोगों की यहाँ पर मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें सफल नहीं रही है मोदी सरकार। आर्थिक विकास भी यहाँ पर 12% और नोटबंदी भी 3% लोग मान रहे हैं कि ये यहाँ पर जो है नाकामी रही है कोविड-19 महामारी से
जो निपटा है उस पर 9% लोग मानने की इसको सही तरीके से नहीं किया गया है। इस तरह से अगर बात की जाए तो अगर आज अगर लोकसभा चुनाव होते क्या आंकड़ा बन सकता है, लेकिन जिस कारण से कांग्रेस ने भी कई बदलाव किए हैं और कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष को भी बदला है, नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर बने हैं, तो उनका प्रदर्शन किस कारण से रहा है, क्योंकि लगातार सक्रिय तौर पर नजर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं भी किए हैं और जिस कारण से अब आंकड़ा बन रहा है, इंडिया गठबंधन का भी नेतृत्व यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ही कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा देखिए, बहुत अच्छा कहने वाले 24% है, अच्छा कहने वाले 22%, औसतन आंकड़ा 20%, खराब कहने वाले 18% लोग आ जाते हैं जो नए आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन कुछ और यहाँ पर बिल यहाँ पर रखेंगे जिसमें समान नागरिक संहिता आया तो बीजेपी को कितना फायदा मिल सकता है, हाँ कहने वाले 72% लोग, इसका सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, नहीं कहने वाले 17% लोग आते हैं। मणिपुर हिंसा पर केंद्र की जो रणनीति रही है उस पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल इंडिया टुडे ने रखे हैं, जिसके राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था, 44% लोग मानना है इसको लेकर, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है और अलग अलग ग्रुप के साथ तुरंत बातचीत करनी चाहिए थी, 21% लोग इसको यहाँ पर मान रहे हैं, सभी पार्टियों को मणिपुर भेजना चाहिए था, 7% लोग मानना है, फास्ट ट्रैक न्यायिक यहाँ जस्टिस होना चाहिए, 19% लोग मान रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मणिपुर हिंसा पर आपकी राय क्या हो सकती है, जो इंडिया टुडे के आंकड़े सामने आए हैं और केंद्र सरकार की नाकामी रही है इस पर 30% लोग मानना है, राज्य सरकार की नाकामी 25%, यानी आंकड़ा 55% तक पहुंच रहा है, विपक्षी पार्टियां 20 के लिए जिम्मेदार है, 14% लोग मानना है, केंद्र राज्य दोनों की नाकामी है, 20% लोग इसको यहाँ पर तौर पर देख रहे हैं। लेकिन अगर आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो क्या आंकड़ा बन सकता है, जो इंडिया टुडे के महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जो पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें आ जाती हैं, यूं तो बात की जाए पश्चिम बंगाल के लिए, अब बीजेपी यहाँ पर सीधे तौर पर टीएमसी बीजेपी में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार नया गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया दिया गया है, इसमें कांग्रेस सीपीएम और टीएमसी लोकसभा चुनाव तो साथ मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो तीनों पार्टी आपसी तौर पर यहाँ पर आमने सामने होती हैं, तो लोकसभा चुनाव में फिलहाल अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 24 सीटें हासिल कर सकता है, जबकि एनडीए गठबंधन को 18 लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल में मिल सकती हैं, जो आंकड़े लोकसभा चुनाव पर आ रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, कई दलों में यहाँ पर आपसी टूट हुई है, और उसके बाद क्या आंकड़ा बन सकता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में महाअखाड़ा बन चुका है राजनीति के लिए, जिस कारण से पहले यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एनसीपी से अजित पवार ने यहाँ पर शपथ ली थी, लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ सरकार के बाद यहाँ पर फिर एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस ने सरकार बना ली और उसके बाद फिर बड़ा उलटफेर हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी सिंधी गुट या और एनसीपी से अजित गुट यहाँ पर जो है सरकार में है, लेकिन एक तरफ से महाविकास आघाड़ी भी है, तो कहीं ना कहीं तीन बड़ी पार्टी हैं और तीनों ही पार्टियों में यहाँ पर आपसी जो तनाव है वो देखा गया, जिसमें दो पार्टियों में जिसमें शिवसेना और यहाँ पर एनसीपी में टूट हुई है, लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, 2019 में यहाँ पर एनडीए को शिवसेना का साथ था, तब यहाँ पर एक बड़ी जीत एनडीए गठबंधन को मिली थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन हावी होता नजर आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर, 28 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को यहाँ 20 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान यहाँ दिखाई जा रहा है। जबकि कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बना ली है, लेकिन उसके बाद यहाँ फिर बदलाव देखने को मिला है, यहाँ जेडीएस जो कांग्रेस के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ी थी लेकिन इस बार अलग अलग लड़ी थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुकी है और लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी, लेकिन कर्नाटक के लिए इंडिया गठबंधन को 5 लोकसभा सीटें और एनडीए यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, 23 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं जो अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के परिणाम लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लाल इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 6 लोकसभा सीटें और एनडीए को यहाँ 23 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, 2019 में 28 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, एक सीट ही कांग्रेस को मिली थी जो कि कमलनाथ ने अपनी सीट बचा ली थी, यहाँ पर इंडिया टुडे का सर्वे उसमें इंडिया गठबंधन को दिल्ली के अंदर 0 सीट जबकि एनडीए को एक बार फिर से सभी 7 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीट पर जीत हासिल की थी और इस बार भी सभी 7 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है, बिहार भी एक ऐसा राज्य बन गया है कि यहाँ पर भी बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिलते हैं, कभी भी यहाँ सरकार जो है स्थायी दिखाई नहीं देती है, कभी भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल जाता है, और वर्तमान की बात की जाए महागठबंधन की सरकार है जिसमें जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस सरकार में, इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दल भी है,
जबकि इससे पहले भी यहाँ पर बीजेपी और यहाँ पर जेडीयू की सरकार थी, लेकिन ये सरकार नीतीश कुमार से यहाँ पर अलग होने से गिर गई और उसके बाद अब यहाँ पर महागठबंधन की सरकार है। लेकिन लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इस पद की 26 सीटें इंडिया गठबंधन को जा सकती हैं, जबकि एनडीए को यहाँ 14 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। आपको बताने की जबरदस्त नुकसान दिखाई दे रहा है, 2019 में 40 सीटों में से 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, तब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, लेकिन अलग होने के साथ कई सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिहार को लेकर। जबकि अगर बात की जाए तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें आती हैं और राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जो अनुमान यहाँ पर इंडिया टुडे ने लगाया उसमें देखिए इंडिया को 0 सीट मिल सकती है और एनडीए को यहाँ 25 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2019 में 24 सीटें एनडीए को मिली थी और एक सीट आरएलपी के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार सभी सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और निर्णायक माना जाता है, और 2014-2019 में उत्तर प्रदेश ने ही तय किया है आखिर केंद्र में किसको सत्ता मिली है और 2024 की सत्ता भी उत्तर प्रदेश ही तय करेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में यह बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी और इस बार माना जा रहा है कि 80 लोकसभा सीटों में से 72 सीटों पर एनडीए को जीत मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 लोकसभा सीटें ही मिल रही हैं। यानी सीधे तौर पर एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और इसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। जिस तरह से एनडीए का ग्राफ में अगर बात की जाए और इंडिया गठबंधन जो बना है उसके बाद के ग्राफ की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए 2019 यानी अगस्त के सर्वे के हिसाब से अगर बात की जाए 2023 अगस्त का सर्वे तो 23% वोट शेयर एनडीए को और 41% वोट शेयर इंडिया गठबंधन को, 16% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि अन्य से कई बड़े दल अब इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं। उसके बाद आंकड़ा आपके सामने है, आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो इंडिया टुडे का जो सर्वे है उस हिसाब से एनडीए को 306 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 193 सीटें और अन्य के पक्ष में 44 सीटें जा रही हैं। इस आंकड़े के हिसाब से अगर बात की जाए तो 2024 में फिर कमल खिलता नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो अनुमान यहाँ पर इंडिया टुडे ने लगाया है। इस हिसाब से अगर बात की जाए, अगर अलग तौर पर देखा जाए आंकड़ा, 287 सीट बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, कांग्रेस को यहाँ 74 सीटें आने के पक्ष में 182 सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर भी बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। फिलहाल आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस प्रकार के बड़े बिल और बड़ी योजनाएं आती हैं, किस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा 2024 को लेकर, वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर, अपने यहां रखिए, मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।